राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता ने कहा कि केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर हरियाणा सरकार में मंत्री विपुल गोयल को चुनाव बाद देख लेने की धमकी दे रहे हैं। वो उनसे राजनीतिक द्वेष रखते हैं और वो वैश्य समाज से चिढ़ते हैं। विपुल गोयल की राजनीति को खराब करने की धमकी दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि वैश्य समाज कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल के पूरी तरह साथ है। उन्होंने दावा किया कि वैश्य समाज के लोग केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर को वोट की चोट मारकर अपने अपमान का बदला लेगा। भाजपा सरकार छदम राष्ट्रवाद के नाम पर लोगों को बांटने का काम कर रही है। भाजपा सरकार में कोई विकास नहीं हुआ है। भाजपा सरकार ने युवाओं को रोजगार देने का वायदा किया था, लेकिन उस वायदे पर भी खरा नहीं उतर पाई। किसानों को यूरिया डीएपी खाद समय पर उपलब्ध नहीं करवाया गया। भाजपा ने लोगों से काला धन लाने की बात कही थी, लेकिन देश में काला धन वापस नहीं आया और लोगों के खातों में 15 लाख रुपए भी नहीं पहुंचे। उन्होंने कहा कि भाजपा के राज्य में विजय माल्या व नीरव मोदी करोड़ों रुपए के घोटाले कर चौकीदार को बताकर चले गए। भाजपा सरकार पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए व्यापारियों को परेशान कर रही है, लेकिन व्यापारी भाजपा सरकार की झूठी बातों में आने वाला नहीं है। उन्होंने कहा है कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली में शिक्षा व स्वास्थ्य की दिशा को सुधारने का कार्य किया। लोगों को सस्ती दरों पर बिजली पानी उपलब्ध करवाया गया। स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार किया गया। सुशील गुप्ता ने कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर हमला करवाने के पीछे भाजपा सरकार की साजिश है, जिसकी वजह दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार द्वारा किया गया सत्ता परिवर्तन है। उन्होंने कहा है कि आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस सरकार के भ्रष्टाचार को उजागर किया था, उसके बाद भाजपा सरकार के भ्रष्टाचार को उजागर करने का काम कर रही है। कृष्णपाल गुर्जर ये कहता है कि मैं विपुल गोयल को लेके नहीं चलूंगा क्योंकि वो वैश्य समाज का है। ये वैसा पूरे वैश्य समाज की बदनामी है, ये विपुल गोयल की बदनामी नहीं है। मैं कह रहा हूँ जो व्यापारी समाज को एक आदमी किसी भी पार्टी से प्रतिनिधित्व देता है और एक कैंडिडेट कहता है और उसी के पार्टी का कैंडिडेट कहता है कि मैं इसकी राजनीतिक हत्या कर दूंगा, मैं इसके उसके इलेक्शन के बाद देख लूंगा, तो वो सारे समाज को डरा रहा है। ऐसे हम डरेंगे कैसे? ऐसे डरने वाला नहीं है समाज। देखिए मैं आपको दो बात बता दूं, ये संघ की पुरानी नीति है, दो चार लोगों को लीडरशिप देते हैं और पूरे समाज को बरगलाने का काम करते हैं, क्योंकि दो चार समाज एक झूठा राष्ट्रवाद का नाम जो मोदी जी ने चला दिया, राष्ट्रवाद के नाम पे कर क्या दिया, मैं बता तो दो। आज वो कहीं ना कहीं इमरान खान को बधाई देते हैं, इमरान खान उनके जीत के लिए कहता है मोदी दोबारा आना चाहिए। अगर इन देशों के अंदर इतनी दुश्मनी है, हमने उनके 300 आदमी मारे हैं, तो ऐसा वो कैसे कह सकता है? ये बीच के अंदर ये राष्ट्रवाद की झूठी बातें हैं। झूठे राष्ट्रवाद ज्यादा लंबा नहीं चलता। आज उनके समय के अंदर विजय माल्या हाउस के अंदर पार्लियामेंट के अंदर फाइनेंस मिनिस्टर को कह के गया कि मैं जा रहा हूं, क्यों नहीं रोका उन्होंने? लंदन की कोर्ट के अंदर विजय माल्या ने बयान दिया। नीरव मोदी नीरज मोदी दोनों देश के हजारों करोड़ रुपए लेके भाग गए। अगर ये चौकीदार हैं तो चौकीदार को जब बता के जा रहे थे और चौकीदार के साथ जा रहे थे तो चौकीदार ने क्यों नहीं रोका? आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर राफेल की दलाली का मामला चल रहा है। कारण मोदी जी की नीतियां हैं, कारण मोदी जी ने नोटबंदी लागू करी, सारी अर्थव्यवस्था को फेल कर दिया। मोदी जी ने कहा था कि 15-15 लाख रुपए हर आदमी के खाते में आएंगे, विदेशों से इतना धन लेके आऊंगा, वो खत्म कर दिया। मोदी जी चाहते हैं कि यहाँ पे अमेरिकन कल्चर बने, 10-5 अडानी और अंबानी जैसे बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं वो काम करें, बाकी इन सारे छोटे दुकानदार की दुकान बंद हो जा रही है, उनका नौकरी करें। ऐसा इस देश में होने वाला नहीं है। इस देश का व्यापारी संगठित है और इस देश का व्यापारी भाजपा के इन चालों के अंदर फंसने वाला नहीं है, उसका जवाब देगा।